सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में विज्ञान के पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक शुरू किया था और हमने इसमें ऊन के बारे में पढ़ा था कि ऊन कैसे प्राप्त होते हैं, ऊन से रेशे कैसे बनाए जाते हैं। और मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे, तो रेशम भी ऊन की तरह ही एक तरह का जांतव रेशा है। जांतव रेशा मैंने आपको बताया था कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। तो रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट या सेरीकल्चर जिसे हम कहते हैं कहलाता है। आपके घर में आपके मम्मी हैं या आपकी चाची हैं, बहनें हैं, आप उनसे रेशम की साड़ियों के बारे में पूछेंगे, क्योंकि रेशम की जो साड़ियाँ होती हैं बहुत ही कीमती होती हैं और बहुत ही सुंदर होती हैं। तो रेशम के कीड़ों से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम रेशम के कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे। जो मादा रेशम कीट होती हैं वो अंडे देती हैं जिससे कि लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं या जिसे हम इल्ली भी कहते हैं, और ये रेशम कीट कहलाते हैं। ये रेशम कीट क्या होते हैं कि शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं और ये उन्हीं पत्तों को खा खा कर दिन रात ये खाते रहते हैं और इनकी आकार में वृद्धि हो जाती है। और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है, तैयार होता है, तो ये पूरी तरह से प्यूपा बन चुका होता है। इसे हम प्यूपा कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक तरह का जाल बुन लेता है और ये जाल अपने स्थान पर उसे बने रहने में सहायता करती है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रवित करता है अपने मुंह से, जो कि कठोर होकर यानी सूख कर रेशम का धागा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के रेशे का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि रेशम का मृदु रेशा यानी पतला रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। क्या आप ये सोच सकते हैं? चलिए, यहाँ पे है रेशम के कीट का जीवन चक्र। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो मादा रेशम की कीट होती हैं वो अंडे देती हैं, तो यहाँ देखिए ये है नर और ये है मादा। ये नर है और ये मादा, इनके अंडे हैं यहाँ पर जो कि शहतूत के पत्तों पर होते हैं। धीरे धीरे ये लार्वा या फिर इनके जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। पत्तों को ये दिन रात खाते रहते हैं और इसके बाद ये चेंज हो जाते हैं और फिर ये बन जाते हैं प्यूपा, इसे हम कोकून कहते हैं, देखिए। और ये जब बहुत ज़्यादा पत्ते खा लेते हैं इनको नींद आने लगती है, फिर ये अपने आप को टहनियों से या पेड़ों के जो तना है उस भाग से अपने आप को चिपका लेते हैं और अपने ऊपर ये धागों का जाल बुन लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही वहाँ से जब पूर्णतः ये विकसित हो जाते हैं, इनके जो जाल हैं इनके मुंह से जो स्रावित होते हैं वही धीरे धीरे कठोर होते हैं और उसी से हमें रेशम मिलता है, ठीक है। तो ये है इनका जीवन चक्र और ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि आप रेशम के कीट का जीवन चक्र चित्र सहित दर्शाएं। तो आप ये सारी चित्र बनाकर एक बार कोशिश करें बनाने की से। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, रुक्षता मतलब
जो रुखड़ा होता है, जो चिकना नहीं होता, चिकनाहट, चमक आदि में ये सारे रेशे एक दूसरे से अलग होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के रेशम के कीट होते हैं उनसे मिलने वाले जो रेशम के धागे होते हैं उनमें भी कई विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारे रेशम के हैं, रेशम के प्रकार हैं, जैसे कि टसर है, टसर रेशम कहलाता है, मूगा रेशम कहलाता है, कोसा रेशम कहलाता है। ये सभी अलग अलग प्रकार के रेशम की विभिन्न किस्में हैं जो कि अलग अलग रेशम कीटों के द्वारा पाए जाते हैं और इसके बाद काट कर कोकुनों से इन्हें अलग किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकुन से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु यानी कि बहुत ही नरम, मुलायम, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीट का संवर्धन भारत का एक बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी कीमत पर बाजार में बिकता है। यहाँ पे है कुछ क्रियाकलाप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3.7। चित्र 3.9 में जिन चित्रों को हमने देखा था, रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र को काटना है और इसे गत्ते पर अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाना है। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए और अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए, जैसे कि उसमें नंबरिंग की हुई है। जो कोई भी सबसे पहले ऐसा करेगा वह विजेता होगा। ये आपकी बुक कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। आप जब भी लगाएं आप विजेता ही होंगे। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। आप शॉर्ट में जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे आप लिख भी सकते हैं पॉइंट वाइज, तो आप लिखने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोकुन से रेशम तक हम कैसे पहुँचते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकुनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर इनको संग्रहित करके रेशम कीट जो पालते हैं या जो किसान होते हैं उनको ये बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को बहुत ही संभाल कर स्वास्थ्यकर स्थिति में उचित ताप और आर्द्रता का ध्यान रखते हुए इनको पालते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल सके और तब तक ये किया जाता है जब तक सहतूत के वृक्षों में नई पत्तियां आती हैं। जब नए पत्ते आने लगते हैं सहतूत के पेड़ों में, जैसे ये होता है लगभग आपके मार्च के महीने में, तो उस समय ये काम किया जाता है। सहतूत के वृक्षों में जब नई पत्तियां आने लगती हैं तब लार्वा जो होते हैं ये कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात ये उन पत्तों को खाते रहते हैं। पत्ते नरम होते हैं इसलिए इनको खाने में आसानी होती है और आमाप यानी साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। खा खा कर ये बहुत बड़े हो जाते हैं। लार्वा को सहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 20-25 से 30 दिनों के बाद, ये देखिए यहाँ फिर से एक चित्र है जिसे मैं भी आपको समझाऊंगी। कैटरपिलर जो है 25 से 30 दिन तक खाने के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकुन बनने के लिए ये बांस के जो तने रखे होते हैं छोटे छोटे उन कक्षों में ये चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकुन जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकुन बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं इन चित्रों को। तो ये देखिए सबसे पहला जो है मादा रेशम कीट, यहाँ मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है और ये देखिए सहतूत का पेड़ है जिसके एक पत्ते को आपको यहाँ पे दिखाया गया था। ये सहतूत के पत्तों पर ही उनका पालन होता है। ये सहतूत के पत्तों पर ये रहते हैं। इसके बाद देखिए सहतूत के पत्तों पर ये किस तरह से जो अंडे थे वो विकसित हो गए और सहतूत की पत्तियों को खाने लगे। ये लार्वा कहलाते हैं और ये सहतूत की पत्तियों को
खाने लगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गए हमारे डी, जिनमें ये कोकून बन जाते हैं, अपने ऊपर ये धागों को लपेट लेते हैं और टहनियों से चिपक जाते हैं और इसके अंदर ही फिर प्यूपा विकसित होता है। तो ये है इनका जीवन चक्र। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, रेशम की खोज कब और कैसे हुई थी। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, किंवदंती जिसका जो कि बोलचाल में या लोगों द्वारा एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है उनको कहते हैं, तो इनके अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी आज उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके पेपर में हो सकता है आए, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन में आता है कि सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं और ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो ये आप एक बार ध्यान में रखें। चलिए अब हमने पढ़ना था, हम कहाँ पे थे, हमने ये पढ़ लिया था और हमने पढ़ना था रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ये कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के जो फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उससे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम रीलिंग कहलाती है। जैसे कि ऊन की रीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक इसी तरह से रेशम की रीलिंग की जाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिसमें रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम की इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो ये है हमारी रेशम। और यहाँ देखिए कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे कोकून है, कार्तिक ऊन है, रिलिंग है, अभिमार्जन है, रेशम की पालन है, ऊन कटाई, रेशम की कैटरपिलर और संसाधन। ये सारे शब्द आपके इस पाठ में आए हैं, तो आप इन्हें ढूंढें और इन प्रमुख शब्दों की को परिभाषित करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अब रह गए क्वेश्चन आंसर, वो हम अगली क्लास में करें, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना आप करें और दोबारा से एक बार इस चैप्टर को पढ़ें। मैंने पार्ट वन पहले बनाया था, तो जिन बच्चों ने पार्ट वन को नहीं पढ़ा या नहीं देखा है तो मैं इसके साथ लिंक शेयर कर दूंगी और आप दोनों ही पार्ट को पढ़ सकें, यानी दोनों ही खंड को आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, इसके लिए आपको सहूलियत हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी क्लास में अव्वल हों, नंबर वन हों। आप मुझसे भी पढ़ाए, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो वीडियो है उसे भी देखें और आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षिका से या शिक्षक से भी सीखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली पार्ट में अगली वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अगेन।